हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टेप प्रोग्राम टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पहले भी बताया था कि 5 स्टेप्स क्या है। आज की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में उन सब के बारे में बात करेंगे कि हर स्टेप पे आपको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ आपको देख के चलनी है। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पर वीडियो बनाऊँ तो आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पर या नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे जो प्लान बना ले, सब कर ले दुनिया भर का, बट जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी हैं, बट इट इज़ यू हु मस्ट एक्ट ऑन इट। अगर आप उस पर एक्ट नहीं करते, अगर आप उस पर फॉलो थ्रू एक्शन नहीं लेते तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। सो स्टेप वन, नो योर वाई, कि आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। ये मेरे को बताने के लिए नहीं है या कि दुनिया को बताने के लिए नहीं है, ये सहानुभूति या मतलब वो फंडेबाजी वाले जवाब होते हैं ना कि मतलब मुझे ये करना है, मैं ऐसे भला कर दूंगा, मैं सबका यूं कर दूंगा, वो कर दूंगी, वो चीज़ के बारे में नहीं है। ये आपके अंदर क्या है कि भाई आपको चुल क्यों है आईएएस बनने की, मतलब इसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव अ गुड वर्ड फॉर इट, बट आपको क्यों है, मतलब क्या क्यों करना चाहते हो। एंड दिस कैन बी एनीथिंग। ये मेरे लिए नहीं है कि आप मुझे बताओ कि भाई मैं क्यों करना चाहता हूँ, कि आप किसी को जस्टिफाई करो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ या मैं क्यों करना चाहती हूँ। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको क्या चीज़ ड्राइव करती है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको सोने नहीं देती, क्या चीज़ ऐसी है जो भी आपको कुछ करने पर मजबूर करती है। तो इफ़ यू नो दैट, अगर आपको ये पता है कि आपका ड्राइविंग फैक्टर क्या है, तो ये आपको मोटिवेट रखेगा। क्योंकि जैसे आगे वाले जो स्टेप्स के हम बात करेंगे जहाँ चीज़ें दिक्कत देती हैं, तो वहाँ पे अगर आपको ये स्टेप वन पता है कि आप क्यों कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन की दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरा क्यों मत्था मार रहे थे यहाँ पे भैया, क्यों इतनी सरदर्दी ले रहे थे। क्योंकि देखो, सरदर्दी लगेगी एक पॉइंट पर, पहले बता रहा हूँ, सरदर्दी एक पॉइंट पर लगेगी, सबको लगती है चाहे कितना ही मन कर रहा हो, बट तब आपको याद करना है कि भैया आपने क्यों शुरू किया था, राइट। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट जो है वो पीछे रह चुका है, जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में आएगा। आप यहाँ हो प्रेजेंट में और यहाँ मेहनत है, और अगर सिर्फ और सिर्फ आज की मेहनत दिख रही है, आप ये भूल चुके हो कि शुरू क्यों किया था, आप ये ध्यान नहीं है कि भाई रिजल्ट से क्या होने वाला है, तो फिर ये जो मेहनत है ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो जाती है कई बार। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। नेक्स्ट स्टेप, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करना सीखो। आपने ये सोच लिया कि हाँ जी ये करना है, बनना है, बट अगर आप खुद को ही डांट मारते रहोगे या खुद को ही मतलब कोसते रहोगे कि अरे तुमसे तो क्या ही होगा, अरे तुम तो एवरेज स्टूडेंट हो, आप तुमसे आज तक क्या उखाड़ा तुमने, ये बोलते रहोगे तो और कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते कि आप ये चीज़ जो भी करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, तो नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, लिख के दे रहा हूँ अभी। अगर आप अपने आप को ये बोलते रहोगे पूरे टाइम कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ या मैं एवरेज स्टूडेंट होते हुए कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो नहीं कर पाओगे ना। क्योंकि आपके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। आप ये नहीं सोच रहे कि चाहे मैं आज एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को बदलने के लिए, ताकि मैं आईएएस आईपीएस बन सकूँ, ताकि मैं जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकूँ। तो ये वाली जो चीज़ है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, जब तक आप ये नहीं मानते कि आप आईएएस बन सकते हैं और आप उतनी मेहनत कर सकते हैं जितनी ज़रूरत है, वो नहीं पता कितनी है बट जितनी भी है, ये भरोसा लेके चलो दिल में कि भाई हाँ कर सकते हैं, सो देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब हमने ये देख लिया है कि भाई क्यों कर रहे हैं, हमने ये मान लिया है कि कर सकते हैं, अब देखते हैं कि कैसे करें। कि अब तो यहां तक क्लियर हो गई बात कि भाई करना है, मान लिया कि हाँ जी कर सकते हैं, सो नाउ यू नीड टू मेक अ प्लान। दैट्स स्टेप थ्री, कि यू नीड टू प्लान कि जो करना है उसे कैसे करोगे।
कैसे करोगे इज द हार्ड पार्ट समझने में शुरू शुरू में, बट वंस यू स्टार्ट इट बिकम्स ईजी। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप प्लान बनाते हो। सबसे पहला तो स्टार्ट बैकवर्ड्स, कि पीछे से शुरू करो। पीछे से शुरू करने का क्या मतलब है यहाँ पे, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आप सीएसई 2022 की तैयारी कर रहे हैं या आप सीएसई 2023, 24, 25 जबकि भी तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो कि वो आपकी डेडलाइन है कि भाई प्रिलिम्स 2022 लेट्स से आपकी डेडलाइन है, क्योंकि पेपर तो नहीं हिलेगा होपफुली, बट दैट्स द आइडिया कि प्रिलिम्स 2022 की जो डेट आई है लेट्स से 5 जून की अगले साल, उस तक आपको सारी चीजें करनी है। तो यू नीड टू स्टार्ट बैकवर्ड्स, क्यों? क्योंकि आपके पास एक डेडलाइन है। जब आपके पास एक डेडलाइन है तो आपको पता है कि कब तक क्या चीज होनी चाहिए, है ना? अब वहां से ये शुरू कर लिया कि हाँ जी सारी तैयारी यहां तक पूरी हो जानी चाहिए। तो तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है, तो उसमें ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अ न्यू वीडियो जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंटर्स दूंगा कि कैसे आप प्लान बना सकते हैं, एंड इफेक्टिवली अगर आप उस वीडियो के साथ बैठ के उसको देखोगे तो मतलब इट विल हेल्प यू मेक योर प्लान, एंड दैट्स द आइडिया। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है प्लान बनाते हुए, ये सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज करनी है, देन यू हैव टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स, देन यू हैव टू रिवाइज प्लस टेस्ट। तो ये रिविजन और टेस्ट वाला जो पार्ट है इसको 3 टाइम्स एटलीस्ट आपको करना है, कि आपने एटलीस्ट 3 बार किताबें पढ़नी है, एटलीस्ट 2-3 बार उनके टेस्ट देने हैं सबके, और एटलीस्ट 3 बार 2-3 बार रिवाइज करना है। दिस इज ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कल ये सब करना है, ये आपको एक साल में करना है, राइट? तो आई थिंक मैंने बोला कि 3 बार पढ़नी है और 3 बार रिवाइज करनी है, तो पढ़ना रिवाइज करना मतलब सेम वाली बात हो जाती है थोड़ी, बट द आइडिया इज कि आपको ये 3 बार चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि एक बार जो भी आप कर रहे हो, लेट्स से अगस्त के महीने में आपने 2022 की तैयारी शुरू करी, तो अगस्त में जो भी पढ़ा है आपने, आपको अगले साल जून तक नहीं याद रहने वाला है। एंड अगर नहीं याद रहने वाला है तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपको वो चीज याद रहे। तो याद कैसे रहेगी, उसके लिए आपको करना है रिविजन और आपको देनी है टेस्ट। सो आपके प्लान में भी इस चीज का स्पेस होना चाहिए कि रिविजन कहाँ करोगे, टेस्ट कब दोगे, 3 बार अगर चीजें करनी है तो एनसीईआरटी कितने समय में होनी चाहिए, ये आपको निकालना पड़ेगा। किस तरीके से, वो बहुत सिंपल सा है कि भाई कंटेंट देखो कितना है, कितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको कवर करनी है, इन सारी किताबों का मतलब बहुत ही एक रफ आइडिया अगर आपको लेना है तो पेज काउंट ले लो कि कितने पेजेस हैं इन किताबों में, आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, कि एक पेज को आप कितना टाइम में पढ़ते हो, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि लेट्स से पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 1000 पेजेस हैं एंड यू रीड 1 पेज इन 2 मिनट्स, तो यू विल टेक 2000 मिनट्स। सिंपल, 2000 मिनट डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो ये आपका आ गया कितने घंटे आपको लगने वाले हैं, 33 घंटे। मतलब अगर दिन में 8 घंटे के हिसाब से पढ़ रहे हो तो 4 दिन आपको एटलीस्ट लगने पड़े हैं अगर आप लक्ष्मीकांत का 1 पेज 2 मिनट में पढ़ते हो। अब ये ऑब्वियसली सबके लिए अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है, एंड ये कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ आप कितने टाइम में कर रहे हो। सो दैट इज हाउ यू आर मेकिंग अ प्लान, राइट? नेक्स्ट, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन, कि आपने प्लान बना लिया, आपने ये मान लिया कि मतलब ये जान लिया कि आपको क्यों करना है, ये मान लिया कि आप कर सकते हो, आपने प्लान बना लिया कि कैसे करना है, अब करो। और यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि मन नहीं करता। किसी दिन मतलब बारिश हो जाएगी तो लगेगा चलो समोसे खा लेते हैं, चिल करते हैं, पकौड़े खा लेते हैं। बहुत सारे कारण आएंगे, आपके घर पे कुछ दिक्कत हो सकती है, कोविड अभी भी चल रहा है, एंड मतलब बहुत सारे जो मतलब डेली लाइफ के इश्यूज आते हैं वो आपको रोज कुछ ना कुछ बहाना एक दे देंगे कि चलो छोड़ो आज काम नहीं करते। बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है सो दिस इज अ नेसेसरी स्टेप, कि आपको रोज काम करना पड़ेगा। अगर आप रोज काम नहीं कर रहे हो तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जस्ट प्लान माइनस एक्शन इज इक्वल टू नथिंग। वो बस एक प्लान है, प्लान प्लस एक्शन रिजल्ट्स। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको प्लान भी बनाना पड़ेगा, आपको उस प्लान पे एक्शन भी लेना पड़ेगा। एंड ये हार्ड पार्ट क्यों है, क्योंकि रोज आपको मौका मिलेगा कि छुट्टी मार लेते हैं,
पर छुट्टी नहीं मारनी है। क्यों? अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है कि आप क्यों करना चाहते हो, अगर आपने ये मान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि भाई ये करना है, तो अब करो, और क्या रह गया, राइट। एंड फाइनली स्टेप 5, कि आपने जब एक बार करना शुरू कर दिया किसी चीज़ को, बहुत लोगों की ये दिक्कत रहती है कि शुरू भी नहीं किया है, वो आके बोलेंगे कि सर बता दो कैसे करना है, क्या करना है, सब बता दो। भाई मतलब कुछ हाथ पैर मार के तो देखो, कुछ गूगल तो करके देखो, कुछ तो ट्राई करो। मतलब किताब तो पता है ना, लक्ष्मीकांत एटलीस्ट तो सबको पता होती है, लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ के देखी, उसको पढ़ो, उठाओ, कुछ करो। एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो जो गलतियां करोगे उन गलतियों से फिर सीखो। ये एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है, क्योंकि आप कोई भी प्लान शुरू करते हैं तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरफ जा सकता है, रैंडम डायरेक्शन में चला गया। लेट्स से आपको जाना इस डायरेक्शन में है, दिस इज वेयर यू नीड टू गो, बट आपने शुरू ऐसे किया, यहाँ पे किसी ने आपको बता दिया कि नहीं 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 गलत जा रहे हो, आप दूसरी तरफ चलने लगे, और यहाँ फिर आप भूल गए किसी से पूछना। द आइडिया इज कि ऐसे 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 आप चलते रहोगे, सीधी लाइन में कभी नहीं जाओगे, बट करेक्ट होते हुए। करेक्ट कैसे होगे? कि आपने किसी मेंटर से पूछ लिया कि भाई किस तरीके से कर सकते हैं, आपने टेस्ट दे दिया कि भैया किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आपने प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ लिए आपने कि भाई उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को रिजॉल्व किया था, क्या मतलब कोशिश तो करो कि भाई आपको जो दिक्कत आ रही है, और दिक्कत कब आएगी? जब आप स्टेप 4 करोगे, कि जब आप डेली बेसिस पे काम करोगे तब थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक्शन लेने लग गए और दिक्कत ही नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, बट दिक्कत रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए। कैसे रिजॉल्व करोगे? तो सबसे पहला है कि भाई टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ लो, यहाँ पे कि भाई प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं, जैसे गौरव अग्रवाल सर थे या फिर प्रत्यूष पांडे हैं, या मतलब अनुदीप दूरी शेट्टी हैं, या नेहा भोसले हैं, किन के भी ब्लॉग पढ़ लो, जो भी समझ आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि ये टॉपर रिलेटेबल है, उनके ब्लॉग्स पढ़ो, वहां से सीखो कि भाई उन्होंने अपनी गलतियों को कैसे सुधारा था। क्योंकि देखो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि अनचार्टेड टेरिटरी है, दिस हैज़ बिन अ एक्सप्लोर्ड टेरिटरी, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो चुकी है काफ़ी। और अगर एक्सप्लोरेशन हो चुकी है काफ़ी, तो भाई जिन्होंने पहले कर लिया है, करके देख लिया है, भाई उनसे सीखो ना जाके। सो दैट्स द आइडिया, दैट्स यू नीड टू टेक फीडबैक। तो ये एक बहुत सिंपल सा 5-step प्रोसेस हो गया आपका। स्टेप 1 कि भाई आपको अपना कारण जानना है, क्यों करना चाहते हो। स्टेप 2 अपने ऊपर भरोसा करो कि भाई जो करना चाहते हो कर सकते हो। स्टेप 3 प्लान बनाओ कि भाई भरोसा कर लिया, कारण जान लिया, तो अब कैसे करना है, क्योंकि कैसे करना नहीं सोचा तो वो दिमाग में ही रह जाएगा सारा। स्टेप 4 एक्शन लो, क्योंकि एक्शन नहीं लोगे तो मतलब गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। गाड़ी बना ली, सब कर लिया, बढ़िया एकदम टॉप क्लास गाड़ी बना ली है, और गाड़ी को खड़े रखोगे तो वो गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। गाड़ी चलाओ, गाड़ी ठुकेगी, जहाँ ठुकेगी उसकी मरम्मत करो, मरम्मत करते हुए फिर आगे चलो, एंड दैट्स हाउ इट विल गो। एंड फाइनली गेट टू वर्क, कि भाई अब काम करना चालू कर दो। कि अगर आप स्टेप 1 और 2 पर अभी भी काम कर रहे हैं तो उन पे उनको फाइनलाइज कीजिए पहले। स्टेप 1 क्या था आपका, कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं, इस कारण को जानिए। स्टेप 2 था अपने आप पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि ये नहीं करोगे तो यार रोज डाउट आएंगे कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। आपको अगर यही चीज़ पर रोज झगड़ा अपने आप से करना पड़े कि भाई क्या मैं कर भी सकता हूँ या मैं कर भी सकती हूँ, तो मतलब वो कितनी सारी एनर्जी उधर वेस्ट हो रही है, ये भी तो देखो ना। तो उस चीज़ को पहले आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये भरोसा करके कि हाँ जी कर तो सकते हैं, कैसे करना है शायद नहीं पता अभी, बट कर सकते हैं, तो ढूंढते हैं कैसे किया जाए। तो स्टेप 3, तो आई विल बी मेकिंग अनदर हाउ टू मेक अ प्लान वीडियो, देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ प्लान ऑन दिस चैनल, तो आप वो देख सकते हैं। एंड अगर आप स्टेप 4 पे हैं कि डेली एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आ चुके हैं, तो भाई मतलब यहाँ क्या कर रहे हो, वीडियो क्यों देख रहे हो, काम करो ना जाके, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।